वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। शांताकारं भुजग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योग विधान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा और पारण समय के बारे में जानते हैं। कामिका एकादशी का व्रत हर वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन कामिका एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत महान पुण्यों को प्रदान करने वाला है। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ कामिका एकादशी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत महान पुण्य फलों को प्रदान करने वाला है। और इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कामिका एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्य मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना, अब कृपा करके श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या फल है सो बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं आज आपसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके हमसे कहिए। नारद जी के ये वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस व्रत को करने मात्र से और इस कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनका नाम श्रीधर हरि विष्णु माधव मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है सो सुनो। जो फल गंगा काशी नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है वही विष्णु भगवान के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता वह पुण्य फल इस व्रत को करने से और भगवान विष्णु के पूजन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उनसे देवता गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पाप रूपी कीचड़ में पड़े हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाश का और कोई इससे बढ़कर उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी का व्रत जीव इससे कुयोनि को प्राप्त नहीं कर पाता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते उतने भगवान मात्र तुलसी दल से हो जाते हैं।
तुलसी दल पूजन का फल चार भार चांदी एक भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधों को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं और उनके दर्शन मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श करने मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। हे नारद, एक कथा के अनुसार एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उस क्षत्रिय की किसी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की इसी दौरान मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन ग्रहण करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर भगवान विष्णु का पूजन करो, कामिका एकादशी का व्रत करो एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा करके उन्हें सदस्यणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पापों से मुक्ति मिलेगी। फिर क्षत्रिय ने पंडितों के बताए गए अनुसार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ कामिका एकादशी का व्रत किया और उसी रात भगवान विष्णु भगवान श्रीधर प्रसन्न होकर के क्षत्रिय को दर्शन देकर बोले कि हे क्षत्रिय, अब तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो चुके हो। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि एकादशी के व्रत में कुछ नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन इस दिन तामसिक वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा लहसुन प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए धर्म कर्म का कार्य करना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजन में इस दिन तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता और एकादशी रविवार और ग्रहण के समय में तुलसी माता में जल भी नहीं डाला जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहे। एकादशी के दिन चावल ग्रहण करने से कहा जाता है कि मनुष्य को रेंगने वाली कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है, इसलिए एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। भक्ति भाव के साथ पूरे श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस दिन गरीबों को भोजन करानी चाहिए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान का दो समय पूजन करते हुए रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। रात्रि में कथा श्रवण करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन करके फिर जाकर के समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा द्रव्य देनी चाहिए, गरीबों को भोजन करानी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी के पारण समय के बारे में। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय है 3 अगस्त 2021 दोपहर 1:02 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 4 अगस्त 2021 दोपहर 3:18। कामिका एकादशी का व्रत 4 अगस्त 2021 दिन बुधवार को किया जाएगा और कामिका एकादशी व्रत का पारण
5 अगस्त 2021 दिन गुरुवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। समय सीमा है सुबह 5:45 से सुबह 8:26 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। कामिका एकादशी व्रत का पारण इस बार दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा जिसे कि दूब कहते हैं, दुर्वा से पारण इस व्रत का किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें।